हाँ ओ पास रहेंगे ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करछि आपण मन समस्ते भाल रहथि बे सुस्त थे ब्लॉग को एन्जॉय करथि। मु बेठ बहुत भाल रह छै। आपण मन को गोटे फ्रेश फ्रेश ब्लॉग को स्टार्ट करछि। आपण माने निहाति भाबरे ब्लॉग को लास्ट पर्यंत देखिबा। जदि भाल लागबो लाइक शेयर कमेंट करे, चैनल को सब्सक्राइब कर देबो। कारण सब्सक्राइब करबा पई आपण को टंका डबि दबा पई पडिबनि। तो जेहेतु आज संक्रांति अछि, रूम रे हमर केही नाहंती, तण हम भाबिलु कि गोटे खाइबा पई जिबु, बाहर खाइबु। जेहेतु नॉन वेज भी नहीं, सादा खाइबू, तेणु पाखे गोटे गोटे जाइए होटेल खाइदबु। तेणु प्लानिंग आम एला तो आम बर्तमान बाहर मो सहित आम जी मिश्रा बाबू आउ हाफी मामा आज आम जबार ना से कौन गोटे बुझा तो बोली कितना खरा देखिकी से गले ना तेणु आम सहित से जी खाइबापी। तेणु जाऊँ कौटे तो गोटे खाई पल आसपा पड़ो तापर आसे जहाँ जहाँ कम अच्छे तो चलते जामती था मो सहित कंटिन्यूसली आउ एंजॉय भी करूँ। ए चल रे पिले, आस आस। अरे आउ रिजिन कौन हम खरा पाई ही तुम्हें जान कि भाईरी कि खरा तो बर्तमान आपण मैंने देखिपे मानने पिक्चर क्वालिटी जानपर थे खरा कौ रकम पड़ोसी मुझे छाई को पल आसली। आम तो खायापाई जीव कि पूर्व आम जड़े मानने मो कजिन जड़े अजा जड़े आमर अच्छा हस्पिटाल तो पाक जी कारण मो माईकर बापा तो सेठी जी खावापी देखे आस हस्पिटाल गले तो से गुड़ा सुट करवा मो पक्ष संभव नुह कारण मुझे से बाबद कम्फर्टेबल हो पारे नहीं। हस्पिटाल कौन गोटे सुट कर सही भाई सिचुएसन में कौन गोटे सुट कर तो सहीटा करें खावा दबार अच्छी खावा देदेवी तापर जीव आसिले आम जीव खायापी छाड़ तो। अरे खाई कौन जीवा जो खरा हो तो खाया को भी इच्छा हो नहीं। हाँ उपास रही पूरा बिगाड़ी देखिए पाग रखी खरा प्रबल रु अति प्रबल हो तेणु आवापी भी इच्छा हो तथापि खाइबार अच्छी जेहेतु पड़े खरा गोटे अलग प्रकार हो अलग रकम माने प्रो वाला फिल दो अल्ट्रा प्रो आस ड्रामाबाद कि मुझे ब्लॉग रे पके देवी सब कहे गोटे मैंने ये कर दही पक प्लेन टमाटर पड़ दही पड़ कि टमाटर सब तीन टाक प्लेन दब दही कि पक कार भूल गल मिश्रा आसगल तुम खाइबा आसगल जो आम खाइबा आलू भर्ता भजा छुई आलू भजा बड़ी चोरा मिर्चा शाग चिप टमाटो पाल टमाटो रेटिंग दबा
ଆଉ କିଏ ପକେଇଲା ତମେ ହିଁ ପକେଇ ଯାଅ ମୁଁ ପ୍ରୁଫ ସହିତ ଦେଖେଇଦେବି ତୁମେ ପକେଇଥିଲ ବୋଲି ହେଲା ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନିଦ୍ରା ଯିବା କାରଣ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ବାହାରେ ବୁଲିବି ହବନି ଖୁସି ପଳେଇବ ତେଣୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁଗୁଳ ପରା 43 ଡିଗ୍ରୀ ନା 44 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଛି ଓ ହୋ ମାଲୁ ଯୋଉ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲୁ ତାର ସାର୍ ନିଦରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଲା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 5:30 ଆଉ ଆମର ଯୋଜନା ଥିଲା କି ଆଜି ଯେହେତୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଟିକେ ପଣା ଫଣା କରିକି ପିଇବାର ଥିଲା 3:30-4 ବେଳକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସରଞ୍ଜାମ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଖରେ ଆମର ବେଲ ଅଛି ତ ତାକୁ ପଣା ଫଣା କରିକି ଟିକେ ପିଇଥାନ୍ତୁ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କେତେ ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ 5:30 ହେଇଗଲାଣି 5:30 ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ପଣା ତ ପିଇ ହେବନି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦେଖି ଲସି ଫସି ଟିକେ ଯାଇକି ପିଇଦେବା ଆଉ ସେଇଠିରେ ବନେଇଦେବା ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଣାଟା ସେଇଆ ହେଇଯିବ ତ ସେଇଆ ଭାବିକି ଜଷ୍ଟ ଏବେ ବାହାରିଲି ବାହାରକୁ ପୁରା ଖରା ଯାଇସାରିଛି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ମାହୋଲ ପାଗରେ ବାହାରେ ବୁଲିବା ଟିକେ